वैवर्त पुराण ब्रह्म खंड नारायण के द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण तथा प्रकृति देवी की महिमा का प्रतिपादन। वैवर्त पुराण ब्रह्म खंड नारायण के द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण तथा प्रकृति देवी की महिमा का प्रतिपादन। श्री नारायण बोले, गणेश विष्णु शिव रुद्र शेष ब्रह्मा आदि देवता मनु मुनिन्द्र गण सरस्वती पार्वती गंगा और लक्ष्मी आदि देवियां भी जिनका सेवन करती हैं उन भगवान गोविंद के चरणार विंदों का चिंतन करना चाहिए। जो अत्यंत गंभीर और भयंकर दावाग्नि रूपी सर्प से आवेशित हो छटपटाते अंग वाले संसार सागर को लांग कर उस पार जाना चाहते हैं और श्री हरि के दास्य सुख को पाने की इच्छा रखते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर व्रज भूमि को इंद्र के कोप से बचाने की कीर्ति प्राप्त की है। वाराह अवतार के समय एक अर्णव के जल में गली जाती हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया तथा जो अपने रोम कूप में असंख्य विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के चरणार विंद का चिंतन करना चाहिए। जो गोपांगनाओं के मुखार विंद के रसिक भ्रमर हैं और वृंदावन में विहार करने वाले हैं उन व्रज वेशधारी विष्णु रूप परम पुरुष रसिक रमन राशेश्वर श्री कृष्ण के चरणार विंद का चिंतन करना चाहिए। वत्स नारद मुनि जिनके नेत्रों की पलक गिरते ही जगत सृष्टा ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं उनके कर्म का वर्णन करने में भूतल पर कौन समर्थ है। तुम भी श्री हरि के चरणार विंद का अत्यंत आदरपूर्वक चिंतन करो। तुम और हम उन भगवान की कला के अंश मात्र हैं। तुम भी श्री हरि के चरणार विंद का अत्यंत आदरपूर्वक चिंतन करो। तुम और हम उन भगवान की कला के अंश मात्र हैं। मनु और मुनिन्द्र भी उनकी कला के कलांश ही हैं। महादेव और ब्रह्मा जी भी कला विशेष हैं और महान विराट पुरुष भी उनकी विशिष्ट कला मात्र हैं। सहस्त्र सिरों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर सरसों के एक दाने के समान धारण करते हैं। परंतु कुर्म के पृष्ठ भाग में वे शेषनाग ऐसे जान पड़ते हैं मानो हाथी के ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान कुर्म कच्छप श्री कृष्ण की कला के कलांश मात्र
वे भगवान कूर्म कच्छप श्री कृष्ण की कला के कलांश मात्र हैं। नारद गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश वेद और पुराण में किंचन मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। नारद गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश वेद और पुराण में किंचन मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मपुत्र नारद, तुम उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण का ही मुख्य रूप से भजन करो, जिन विश्वाधार परमेश्वर के संपूर्ण लोकों में सदा बहुत से ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं, तथा श्रुतियां और देवता भी उनकी नियत संख्या को नहीं जानते हैं, उन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण की तुम आराधना करो। जिन विद्याधर परमेश्वर के संपूर्ण लोकों में सदा बहुत से ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं, तथा श्रुतियां और देवता भी उनकी नियत संख्या को नहीं जानते हैं, उन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण की तुम आराधना करो। वे विधाता के भी विधाता हैं, वे ही जगत प्रसिविनी नित्य रूपिणी प्रकृति को प्रकट करके संसार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकृति जन्य हैं, वे भक्ति दायिनी श्री प्रकृति का भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा है, वह ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। उसी के द्वारा सनातन पुरुष परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं। श्री प्रकृति की कला से ही संसार की सारी स्त्रियां प्रकट हुई हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकृति जन्य हैं, वे भक्ति दायिनी श्री प्रकृति का भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसी के द्वारा सनातन पुरुष परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं। श्री प्रकृति की कला से ही संसार की सारी स्त्रियां प्रकट हुई हैं। प्रकृति ही माया है, जिसने सबको मोह में डाल रखा है। वह सनातनी परमा प्रकृति नारायणी कही गई है। क्योंकि वह परम पुरुष नारायण की शक्ति है। सर्वात्मा ईश्वर भी उसी के द्वारा शक्तिमान होते हैं। उस शक्ति के बिना वे सृष्टि करने में सदा असमर्थ ही हैं। वत्स, तुम इस समय जाकर विवाह करो। मैं तुम्हें पिता के आदेश का पालन करने की आज्ञा देता हूँ। जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है, वह सदा सर्वत्र पूजनीय तथा विजयी होता है। जो पुरुष वस्त्र अलंकार और चंदन से अपनी पत्नी का सत्कार करता है, उस पर प्रकृति देवी संतुष्ट होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे ब्राह्मण की पूजा अर्चा करने पर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, प्रकृति ही संपूर्ण लोकों में अपनी माया से स्त्रियों के रूप में प्रकट हुई है। अतः महिलाओं के अपमान से वे प्रकृति देवी ही अपमानित होती हैं। जिसने पति पुत्र से युक्त सती साध्वी दिव्य नारी का पूजन किया है, उसके द्वारा सर्व मंगल दायिनी प्रकृति देवी का ही पूजन संपन्न हुआ है। मूल प्रकृति एक ही है और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी है। उसी को सनातनी विष्णु माया कहा गया है। सृष्टि काल में वह पांच रूपों में प्रकट होती है। जो परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है
तथा समस्त प्रकृतियों में उन्हें सबसे अधिक प्यारी है। उस मुख्य प्रकृति का नाम राधा है। सृष्टि काल में वह 5 रूपों में, उसी को सनातनी विष्णु माया कहा गया है। सृष्टि काल में वह 5 रूपों में प्रकट होती है, जो परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है तथा समस्त प्रकृतियों में उन्हें सबसे अधिक प्यारी है। उस मुख्य प्रकृति का नाम राधा है। दूसरी प्रकृति नारायण प्रिया लक्ष्मी है, जो सर्वसंपन्न स्वरूपिणी है। तीसरी प्रकृति वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, जो सदा सबके द्वारा पूजनीय है। चौथी प्रकृति वेद माता सावित्री है, वे ब्रह्मा जी की प्यारी पत्नी और सबकी पूजनीय है। पांचवी प्रकृति का नाम दुर्गा है, जो भगवान शंकर की प्यारी पत्नी है, उन्हीं के पुत्र गणेश हैं, जो परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है तथा समस्त प्रकृतियों में उन्हें सबसे अधिक प्यारी है। उस मुख्य प्रकृति का नाम राधा है। दूसरी प्रकृति नारायण प्रिया लक्ष्मी है, जो सर्वसंपन्न स्वरूपिणी है। तीसरी प्रकृति वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, जो सदा सबके द्वारा पूजनीय है। चौथी प्रकृति वेद माता सावित्री है, वे ब्रह्मा जी की प्यारी पत्नी और सबकी पूजनीय है। पांचवी प्रकृति का नाम दुर्गा है, जो भगवान शंकर की प्यारी पत्नी है, उन्हीं के पुत्र गणेश हैं। इति ब्रह्मखंड संपूर्ण समाप्त।